आतंकवाद है कि फिर मैं उन पर ऐसा खूनवा मसरत कर देता हूँ, वो रंगे पीटे के वो नहीं सुनेगा। किसकी वजह से हमारी बदमानी की वजह से ज़्यादा ठोस गया। इराक में अमेरिका ने आग फेंकी, बम फेंके, बच्चे बूढ़े और टमाटी जो बच्चे थे मुसलमान थे उन्हें तोबा की, उन्हें छुड़ियाँ तेज कर दिया। जिस औरत उठी है अगर उसकी उंगली छूट गई नहीं उतरती उन उंगली काट दी। जिसके हाथ में चूड़ियाँ हैं वो चूड़ियाँ फूल गई सुन गई, वो चूड़ी नहीं उतरी उन्हें बाजू काट दी। किसके लिए? और चूड़ी के लिए। मेरी बात समझ आ गई। फिर अब तो क्या हाल हुआ, उन मुसलमान को कैद कर दिया गया। किसने किया कैद? अमेरिका ने। उनके सारे कपड़े काट कर उनको कान पकड़ा दिए, कान वो कान पकड़े तो पीछे से बिछावर जो है नीचे लटक दी है उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। वो जो बच गए उन्होंने तोबा नहीं की, उनको चाहिए तोबा करते, अंजाम देख लिया था, नहीं तोबा की, उन्होंने छुड़ियाँ तेज कर ली। किसके लिए? मनी पर हमला। जिस औरत के मुट्ठी है और टायर उतर दी उसकी उंगली काट ली अपने थैले में डाल ली, और जिस औरत ने चूड़ियाँ पहनी हुई है चूड़ियाँ टायर है नहीं उतरती उसको बाजू काट दी अपने थैले में डाल लिया। वो घर नहीं फिर पहुंचे, किसी ने ऐसा छीन लिया वो बैग और मार दिया। तो जैसे जालिम हो गए, फिर अल्लाह ने कहा इनको मारो, ये कुत्तों से बदतर है, कुत्ते इन पर छोड़ो। फिर उनको क्या किया गया? उनको कैदी बना के उनके कपड़े सारे उतार दिए कैदियों के, और पीछे जो पिछावर जो नीचे लटकती है उस पर कुत्ते छोड़ दिए, कुत्ते खाए। क्या हाल किया? क्यों किया? कि वो क्या कर रहे हैं? मुर्दों को काट रहे, उनकी चूड़ियाँ गोठियाँ काट के ले जा रहे। ये एक उस इराक में नहीं, हमारे मुल्क में यही है। आदमी गाड़ी रखी हुई है जहाँ दो इंसान काले काले पड़े हुए, किसके? ये वही नमाजी है, उसको कभी उसके लेन देन करके देखो। मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मेरी उम्मत पर वो दौर आ जाएगा अगर मुसलमान दिन को ईमानदार होगा रात को सोएगा बेईमान, दिन को रात को ईमान से सोएगा दिन को बेईमान। एक चाय की प्याली के लिए झूठ बोले, और झूठ बोलना गना कबीरा है, छोटा गना नहीं बड़ा गना है। ये अगर कोई घर का कोई बच्चा साथ बात कर दिया, वो तूने ये बात क्यों कर दिया, और ये तो बात करनी नहीं थी, वो अच्छा नहीं लगता, उसको सुनना भी चाहता सच को। कौन? मुसलमान। सारे घर के मुसलमान और तो मतलब सारे के खिलाफ हो जाएंगे, वो इसको पीछे रखा करो, ये आगे बात कर देता है। क्या बात? सच बात कर रहा हूँ।